क्या नाम है माता जी? मेरा नाम लालमती नाम है। कब से रह रही माता जी आश्रम में? ये मई का आखिरी महीना था, उसी में आए हैं। 12 तारीख को। कितने बच्चे हैं माता जी आपके? 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के। क्या करते हैं? करते हैं वो एक आर्मी में है, छोटा वाला आर्मी में है, बड़ा वाला डॉक्टरी करता है, छोटा वाला अरे माझील जो है ये चार्जिंग मार्जिंग बनाता है। आपको छोड़ दिए वो लोग? हाँ। निकाल दिए या कैसे आप यहाँ तक? अरे बड़े वाले दोनों सऊदी हो के आ गए। आप यहाँ तक कैसे आई माता जी? वो वकील से हम बोले हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाओ, लेके आए टेम्पू से। हाँ। वकील से मुलाकात आपकी कैसे? हाँ। ऐसे ही मैं कचहरी जानती हूँ, गई आई हूँ तो कचहरी गई और वो मिले दोनों लड़के, उनसे कही कि कोई रास्ता हमें दिखाओ। तो 3-4 दिन हमें दौड़ाते थे, तुम वहाँ रहो, उस मंदिर में रहो, उस मंदिर में रहो, 2 दिन भवननाथ थी। नहीं, ये वकील भवननाथ रही, भवननाथ के एक पूजा करने गई औरत तो अपने घर ले आके गई, तो वहाँ 2-4 दिन हम रहे। फिर यहाँ वकील के पास सोची मैंने कि वो शनिचर को बुलाया है, चलूँ। फिर मैं, मेरा दिल नहीं माना कि वो लड़की, वो औरत जो ले गई वो हम मेरे संग घात करती थी, और मेरे मोबाइल में बोली 500 रुपया तो डलवा दूँ, और मेरी नई बैटरी निकाल के अपने में डाल दी, अपनी पुरानी बैटरी मेरे में डाल दी। बच्चे बात और करते माता जी आपसे? नहीं नहीं, मेरे पास अब कोई नहीं है। क्या नाम है माता जी आपका? सामरथी। कब से रहती है माता जी आप यहाँ? यहाँ तो 10 दिन रहे हैं, 10 दिन को रहा। लड़के हैं माता जी आपके? लड़का है 4 ठे। कहाँ रहते हैं? एक जना रेणुकूट रहते हैं, 2 ठे और 2 ठे दिल्ली रहते हैं। नौकरी करते हैं लोग? नौकरी करते हैं, बाकी ज़्यादा ना मिल के हैं, बड़ा वाला करते हैं नौकरी, बढ़िया सरकार दिले है, कुल उपजा हो जाए ना। आज छोटका 2 ठे है, कबो यहाँ करी, कभी यूँ करी, कभी करी, तबीयत भी खराब है छोटे वाला का। आपको यहाँ लाके छोड़ दिए या घर से बाहर निकाल दिए? नहीं, छोड़ दिए सब, छोड़ दिए थे, ताला एक मिनट बंद के चली गई। हमारा जेकर जाए थे ना खियाई, ना खियाई क्या खियाई, कितना करोदा पर छोड़ के गए तो लड़की बहुत शर्म। आप कैसे रही घर में था? याद आती है माता जी उन लोगों की आपको? के? याद आती है आप लोग? आप याद सब पर माती है भाई। आपकी बेटियां पूछती हैं आपको? हाँ, लड़की तो पूछती हैं। फोन करती हैं आपको अपने पास? हाँ, ले जाने के लिए कहती हैं? हाँ, फोन कर लेती हैं तीनों, फोन में संगे करती हैं। बच्चों की याद आती है आपको? हाँ, याद रहे करी कि हमके ले चले, हम तो कही ले चले भाई। इस पाठक राम शंकर पाठक। गांव का नाम? गांव का नाम रविदास नगर, वार्ड नंबर 2। कब से रहते हैं? कब से रह रहे हैं आप? अरे हम जब से मिल से छूटा हुआ 25 साल से यहां रह रहे हैं। पहले मिल में काम करते थे। जी जी। मिल बंद हो गई, छूटा कर दिया था। अच्छा, हमारे 2 बच्चे हैं, एक सुनील है और एक हरिंद्र कुमार। एक मिलिट्री में था ड्राइवर, एक BSF में था, दोनों अब रिटायर हो गए हैं, गए साल से पेंशन हो गई। पोती पोता कहाँ रहते हैं? पोती और पोता पोती एक 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 हमारे लड़के के 2 लड़की है, दोनों लड़की की शादी हो गई है, दोनों के 2 लड़की थी, दोनों की शादी हो गई। एक ही लड़का है, एक लड़का बड़े वाले का अभी BA में पढ़ रहा है, छोटे वाले का लड़का BA पास करके कनाडा चला गया है, उसकी शादी आदि हो गई है। शादी में आप गए थे? हाँ, शादी में आप गए? हाँ, शादी में गए थे। अच्छा अच्छा, शादी में गए? शादी में गए थे, अभी आए, काम थे 3-4 महीना। परिचय दीजिएगा। पंकज राय, वृद्ध जन आवास आजमगढ़, अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कितने लोग हैं लगभग यहाँ से? यहाँ 42 लोग हैं सर, 28 पुरुष और 14 महिलाएं। कुछ विक्षिप्त लोग भी हैं, उन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? 5 लोग विक्षिप्त हैं। विक्षिप्त का कहने का मतलब कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, मतलब उनको समझ की कमी है।
तो उनके लिए हमारे जो सेवादाता हैं वो उनका सहयोग करते हैं, उनको खाने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अभी समय हो गया है, आप नहाने के लिए जाएं। पूजा के लिए भी उनको बार बार बुलाना पड़ता है कि अभी आरती का समय हो गया है, आप लोग आरती में आएं और भजन कीर्तन में भाग लें। लोगों के कपड़े, नहाने धोने की व्यवस्थाएँ कैसे हैं, जो विशिष्ट लोग भी हैं उनके कैसे होते हैं? उनके लिए हमारे सेवादाता है ना, उनको बाथरूम तक ले जाएंगे और बाथरूम से ले भी आएंगे। अगर वो कपड़े धोने में उनको दिक्कत महसूस हो रही है तो हमारे पास वॉशिंग मशीन्स हैं, उसमें धुलाई करवा दी जाती है। खाने में कैसे देते हैं आप, खाना कैसे देते हैं लोगों को? खाना टेबल पर देंगे ना, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, उनको टेबल पर ही खिलाया जाता है। कोशिश की जाती है कि सबको टेबल पर ही खिलाया जाए। अगर पर डे एक ही खाना बनता है, अलग अलग किस तरह? नहीं, सब दिन बदल, हर वक्त बदल बदल के बनेगा। सुबह जो बनेगा वो शाम को नहीं बनेगा, अगले दिन भी नहीं। एक दिन की रूटीन बताइए, एक दिन किस तरह, जैसे मान लीजिए सोमवार है, क्या बनाया आप? सोमवार के दिन तो बनेगा रोटी, दाल और कोई हरी सब्जी सूखी, और शाम को फिर वही बनेगा, कोई रस्सेदार सब्जी होगी, चावल अगर आप चाहें तो दिया जाएगा, सलाद होगा, अचार होगा, वो तो हमेशा ही रहता है। क्या ऐसा भी सामना करना पड़ता है, लोग भागते वागते हैं और कोई परेशानियाँ जिनका आपको सामना करना पड़ता हो? भागने का ये है सर कि लंबे समय से लोग, उनके घर से रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो थोड़ा ऊब से जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनको कहीं बाहर तक ले जाते हैं। हमारे दो स्टाफ के लोग जाएंगे तो उनको कहीं मंदिर में ले जाएंगे।